हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेडिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम करेंगे हार्वेस्टिंग एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्टोरेज। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? जो खेतों में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार, जो वेस्ट प्लांट होते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती है, फसलों के साथ वो भी उग जाते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद मेन क्रॉप्स। जो हमने क्रॉप उगाए होते हैं उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? दे आर अनडिज़ायरेबल बिकॉज दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, एयर, लाइट एंड वाटर। और ये क्या होते हैं? ये अनडिज़ायरेबल होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? जो हम मेन क्रॉप उगाते हैं उनके साथ कम्पीट करते हैं, ठीक है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, एयर, इन सभी को कम्पीट करने लगते हैं। एंड दे ऑल एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, और क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? उसमें कमी करना। पानी, जब अनवांटेड प्लांट्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ना ही एयर पहुंचेगी, ना लाइट पहुंचेगी, ना ही वाटर होगा, ना उनको मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? क्रॉप फील्ड मतलब कि जो फसल की फील्ड है उसमें कमी आने लगेगी। एंड दे ऑल्सो स्प्रेड पैड्स ऑन टू द क्रॉप्स एंड समटाइम प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस। और ये क्या करते हैं? ये पेट्स को बढ़ाने में क्या करते हैं? खेतों में पेट्स आ जाते हैं। पेट्स का मतलब क्या होते हैं? पेट्स का मतलब जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खेतों में आके क्या करते हैं? फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एंड सम टाइम्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस, और कुछ बात क्या करते हैं? वो क्रॉप में पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? विच आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो कि क्या होता है? जानवरों और ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। दिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड वीडिंग। और फील्ड में से वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं, टाइम फॉर वीडिंग। वीडिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर है, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सीड और फ्लावर के उगने से पहले, मतलब उसके प्रोड्यूस होने से पहले क्या कर लेना चाहिए? वीड्स को रिमूव कर लेना चाहिए। बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं, सम कॉमन मेथड्स ऑफ वीड्स, ठीक है। कुछ वीड्स के मेथड होते हैं। सम मोस्ट कॉमन मेथड्स फाउंड इन क्रॉप, सॉरी, क्रॉप्स में क्या होता है? कुछ कॉमन वीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है वाइल्ड ओट्स, जावी मतलब कि जो ग्रास, एमरेंथस मतलब कि चौलाई होता है, जो कि एक क्या होता है? लीफ वेजिटेबल में काउंट होता है। एंड सीनोपोडियम जो बथुआ होता है, ये भी क्या होता है? एक लीफ वेजिटेबल ही होता है। आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ वीडिंग। वीडिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग में क्या होता है? वीड्स में भी रिमूव्ड मैनुअली आइदर बाय अपरूटिंग देम, बाय कटिंग देन विद द हेल्प ऑफ लाइक
स्टैंड फॉर खुरपा एंड होलो। जो मैनुअल रीडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, खुरपे और होलो और हैंड फॉक के थ्रू क्या करते हैं, हम वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके रूट के साथ ही। एंड सेकंड है बाय यूजिंग वीडिसाइड। अब वीडिसाइड का यूज़ करके द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय वीड बट डू नॉट हार्म द क्रॉप कॉल्ड वीडिसाइड एंड हर्बिसाइड। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, वीडिसाइड या हर्बिसाइड, अरे वीड्स को क्या कर देते हैं, बिना क्रॉप को, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए वीड्स को डिस्ट्रॉय करना ही क्या कहलाता है, वीडिसाइड एंड हर्बिसाइड। ठीक है, वीडिसाइड नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं, अपनी फसल्स में स्प्रिंग करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे कॉमन वीडिसाइड होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डैलपन, मेटाक्लोर, सिनियाजिन, बूटाक्लोर। दिस वीडिसाइड डाइल्यूटेड इन वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। ठीक है, ये जो वीडिसाइड होते हैं इनको क्या कर लिया जाता है, वाटर के साथ मिला लिया जाता है और फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है। अगला है बायोलॉजिकल मेथड। अगला मेथड कौन सा है, बायोलॉजिकल, नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल। तो वीड्स कैन ऑल्सो कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोचिनियल इंसेक्ट आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द वीड कॉल्ड ऑप्टेंटिया। ठीक है, जो यहाँ पे एक कोचिनियल इंसेक्ट होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ताकि वीड्स क्या हो, ग्रो ना हो और वो कंट्रोल हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिटिया कहते हैं। ठीक है, ओपनटिया कहते हैं। क्लियर, आगे हम प्रोटेक्ट्स ऑफ वीड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, प्रोटेक्ट्स ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे कि जो क्रॉप होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पेट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक द डैमेज क्रॉप्स। जो पेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉप पे अटैक करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। दे मे बी रोडेंट, ये क्या हो सकते हैं, ये रैट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट लोकट्स हो सकता है, वेविल्स हो सकते हैं, टर्माइट्स हो सकते हैं, स्ट्रे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और कुछ जानवर और बर्ड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड डेट 10% ऑफ आवर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर बाय दिस पेस्ट। हर साल क्या होता है, 10% क्रॉप ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, पेस्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो, क्रॉप्स में ऐसा नहीं है कि एनिमल्स और बर्ड्स ही अटैक करते, इसमें हमारे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये भी क्या होते हैं, कुछ डिजीज़ का कारण करते हैं। इनके अटैक से क्या होता है, क्रॉप्स में डिजीज़ हो जाता है, एंड दिस डिजीज़ रिड्यूस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इस डिजीज़ के कारण क्या होगा, क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। और जो इस टाइप के डिजीज़ होते हैं, ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं, ये सीड, एयर एंड सोइल और थ्रो इंसेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, ये क्रॉप में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। फर्स्ट हम कवर करते हैं पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड में क्या होते हैं, पेस्टिसाइड क्या होता है, अब साइड का मतलब, जिस वर्ड के पीछे साइड लगा है, मतलब कि वहाँ पे हम कुछ केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेट्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, बिना क्रॉप को नुकसान पहुँचाए पेस्ट को मार देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड का यूज़ हम क्या करते हैं, स्प्रेयर के थ्रू करते हैं, खेतों में हम इसका क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। सेकंड हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड। अब नाम से ही पता चला इंसेक्ट की बात हो रही, तो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DDT, BHC, मेलेथियन। इसकी हेल्प से क्या होता है, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ये क्या होता है, ये एक टाइप का स्केयर क्रो है जो कि क्या करता है, बर्ड से क्रो की हेल्प करता है, ठीक है। ताकि इस टाइप का अगर हम क्या करते हैं, खेतों में पुतला लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, खेतों में अगर पुतला रहेगा तो बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स आएंगे नहीं, और जिसके कारण क्या होगा, क्रॉप खराब भी नहीं होगा, ठीक है। अगला हम करते हैं फंगीसाइड। फंगीसाइड मतलब कि नाम से ही पता चला फंगस की बात हो रही है यहाँ पे। तो दीज आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, सल्फर, लाइम, सल्फर, इन केमिकल का यूज़ किया जाता है। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड में क्या होता है, ये रोडेंट को किल करने के लिए होता है, जिसमें हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, जिंक फॉस्फाइड और वारफेरिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड एंड रोडेंटिसाइड आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेस्टिसाइड, इन सभी को हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे पुटिंग स्केयर क्रोज इन द फील्ड फिगर, ठीक है। जो स्केयर क्रो हम क्या करते हैं खेतों में, मतलब कि जो पुतले हम खेतों में रखते हैं, उससे क्या होता है, बर्ड्स डरते हैं और उससे दूर रहते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, पक के तैयार हो जाते हैं, तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट का मतलब क्या है, हम फसल की कटाई कर लेते हैं। वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड इट हैज़ बी गैदर्ड एंड द प्रोसेस कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो फसल को काटने और उसको इकट्ठा करने के लिए, जब फसल मैच्योर हो जाती है तो उसके काटने और उसको इकट्ठा करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हार्वेस्ट सीजन इज सेलिब्रेटेड विद एक्साइटमेंट। और देखो जब सीजन के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है तो क्या होता है, मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया जाता है, वो दिन सेलिब्रेटेड और एक्साइटमेंट का होता है। जैसे बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, नवया, बिहू और सम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो इंडिया में क्या होते हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है तो मनाए जाते हैं। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो ग्रेन क्रॉप्स होते हैं उनके हार्वेस्टिंग के बारे में। मोस्ट ऑफ ग्रेन क्रॉप्स आर रेप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ ग्रेन मतलब कुछ मोस्टली जो फसलें होती हैं उसको क्या होता है, सिकल की हेल्प से काटा जाता है। सिकल मतलब कि जो कुछ इस टाइप के पैटर्न में होता है, देखो ऐसे कुछ उसका जो पैटर्न होता है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम उन क्रॉप को कटिंग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग स्टॉक ऑफ हे इज नॉन एज थ्रेसिंग, ठीक है। अब देखो जो खेतों में से अनाज को स्टॉक ऑफ हे से अलग करने का प्रोसेस ही क्या कहता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब जो अनाज होते हैं उसको क्या करते हैं, वो जाहिर सी बात है कि एक लेयर जो होती है, स्टॉक की लेयर होती है, उसमें से हम उसको अलग करेंगे, जब जाके वो क्या होता है, थ्रेसिंग होता है, ठीक है। एंड दिस डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम। एनिमल्स सच एज बुलॉक्स, बफेलोस एंड कैमल आर ऑल्सो यूज ऑन द लार्ज स्केल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। बुलॉक्स एंड बफेलो और कैमल्स का क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के लिए काफ़ी लार्ज मात्रा पर उनका यूज़ किया जाता है थ्रेसिंग के लिए। एंड अगला है विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट ऑफ ग्रेन फ्रॉम शैफ इज नोन एज विनोइंग, ठीक है। अब देखो जो अनाज होगा, ग्रेन का मतलब जो अनाज होता है, उस अनाज को उसके छिलके से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। बिग फार्म्स यूज मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस। कुछ बड़े फार्म्स में क्या होता है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, जिन मशीनों को हम क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं,
ठीक है, कंबाइन के थ्रू क्या होता है, कुछ जगह पे कुछ बड़े बड़े फार्म्स वाले क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉप की कटिंग किया जा अरे उनकी कटिंग किया जा सके, उनको थ्रेस किया जा सके और उनको अनाज को जो उनका हस्क होता है उनमें से भी अलग किया जाता है। ठीक है, जो उसकी भूसे होते हैं ना उसमें से। अगला लास्ट टॉपिक हमारा है स्टोरेज। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, क्रॉप मैच्योर क्रॉप की कटिंग कर ली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अनाज होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, मतलब उसको हम अब सेफली रखेंगे, उसका भंडारण करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, पेरिहेसबल एंड नॉन पेरिहेसबल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को दो तरीके से हम पेरिहेसिबल और नॉन पेरिहेसिबल पेरिहेसिबल का मतलब जो ख़राब होने वाला होते हैं और जो ख़राब ना होने वाले होते हैं। तो पहला क्या है, हम उन फूड के बारे में पढ़ेंगे जो पेरिहेबल होते हैं। पेरिहेबल का मतलब जो ख़राब होने वाले होते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल आर दोस विच कैट गेट स्पॉइल्ड ईजली वैन कैप्ट फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर। वो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो क्या होते हैं, काफ़ी जल्दी ही रूम टेम्परेचर पर रखने के कारण क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम क्या लेंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट, मिल्क, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पेरिसेबल फूड कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ख़राब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ख़राब नहीं होते हैं, तो नॉन पेरिहेसिबल फूड। अब नॉन पेरिहेसिबल पेरिसेबल फूड मटेरियल आर दोस विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन वैन कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो फूड मटेरियल जिनको हम क्या करते हैं, जब रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो जल्दी स्पॉइल्ड मतलब ख़राब नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, फ्लोर, फूड ग्रेन, स्पाइसी, शुगर। ठीक है, गेहूँ, अनाज, मसाले, चीनी, ये सब क्या होता है, ऐसे फूड होते हैं जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मोड ऑफ स्टोरेज दे रखा है, तो यहाँ पे स्टोरेज के दो मोड होते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज का मतलब क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल। ठीक है, इस मेथड का यूज़ किस लिए होता है, जो नॉन पेरिसेबल फूड होते हैं। नॉन पेरिसेबल फूड क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा क्या था, वीट, स्पाइसेस एंड और भी अदर फूड है। ठीक है, और सेकंड क्या है, कोल्ड स्टोरेज। और सेकंड मेथड क्या होता है, कोल्ड, एक होता है ड्राई और दूसरा हो गया कोल्ड। तो दिस मेथड यूज़ फॉर पेरिसेबल फूड मटेरियल। और कोल्ड स्टोरेज का मतलब जो ठंडी जगहों पे रखे जाते हैं उसमें कौन से फूड आते हैं, पेरिसेबल फूड आते हैं। तो पेरिसेबल फूड में क्या थे, हमारे मिल्क, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पेरिसेबल फूड में काउंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, फ्रीज़र में या फ्रीज में हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा। एडवांटेजेस ऑफ फूड स्टोरेज। अब फूड स्टोरेज के क्या एडवांटेज है, मतलब कि क्या लाभ है, इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो फूड प्रिवेंट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, उनके एक्शन से भी क्या होता है, ये इनको हम जब स्टोर करके रखते हैं तो स्पॉइल्ड नहीं होता है। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल।
और फूड स्टोरेज का मतलब क्या हो गया है कि हम फूड को काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। इट हेल्प इन अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अराउंड द ईयर। और हम क्या करते हैं, इसके अवेलेबिलिटी से क्या होते हैं, सीजन के थ्रू फ्रूट और वेजिटेबल को भी क्या करते हैं, उस साल मतलब एक साल के अराउंड हम उसको रख सकते हैं। इट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ईजिली। और जो स्टोरेज फूड होते हैं उनको क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी ईजिली पहुँचा सकते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्राइसेस इन मार्केट। और हम क्या करते हैं, इससे हम फूड मार्केट में हम उस फूड को क्या करते हैं, काफ़ी मेंटेन प्राइस पे उसके बेच सकते हैं, मतलब कि प्राइस मेंटेन रहता है मार्केट में। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि जब हम एनिमलों को, मतलब कि जो भी जानवर हम क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, उनकी डिजीज, उनको कोई भी बीमारी होती है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम एनिमल की रेयरिंग और केयरिंग करते हैं तो ये रेयरिंग और केयरिंग ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इसमें हमारा क्या लिखा है, वैसे आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स इन अ फार्म आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, हम जब किसी एनिमल्स को किसी पर्पस के लिए रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जितने भी एनिमल हम पालते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। ठीक है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपने घरों में ही रखते हैं। ठीक है, उनके लिए हम काफ़ी सुविधाएं करती हैं। द ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। आगे ना, जब हम उनको ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए और केयरिंग के लिए क्या करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, खाने के लिए ये फूड देते हैं, तो ये सारे ही पर्पस क्या होते हैं, हम अपने उनको यूजफुल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनका क्या करते हैं, पालते हैं और देखभाल करते, तो इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी क्लियर समझ आया हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और भी ये चैप्टर के वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।